नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पेट दर्द ठीक करने के लिए एक अचूक होम्योपैथिक फॉर्मूला बताऊंगा, एक अचूक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम अपने पेट को डिवाइड करें, बांटे, तो हमारा एब्डोमेन, हमारा पेट 9 हिस्सों में बढ़ जाता है। और अगर इन 9 हिस्सों में कहीं पर भी दर्द होता है हमें, तो हम उसे पेट का दर्द बोलते हैं दोस्तों, एब्डोमिनल पेन बोलते हैं या स्टमक एग बोलते हैं। दोस्तों, पेट का दर्द पेट की बहुत सारी बीमारियों के कारण होता है, लेकिन बहुत सारी आम सी समस्याएं हैं जिनके कारण आम तौर पे हमें पेट का दर्द होता है और पेट का दर्द बहुत हमें परेशान करता है। उनमें से जो सबसे आम प्रॉब्लम है वो है इंडाइजेशन, अपच की समस्या, गैस बनना और गैस बहुत ज़्यादा बनना, जिसके कारण हमारा पेट फूल जाता है और हमें बहुत तेज़ पेट में दर्द होता है दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या, जिसके कारण हमारा पेट साफ नहीं होता, स्टूल अच्छे से निकलता नहीं है, जिसके कारण गैस बनती है और फिर पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। दोस्तों, किडनी स्टोन में भी पेट का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन में भी पेट का दर्द बहुत तेज़ होता है, अपेंडिसाइटिस जैसी बीमारी में भी पेट का दर्द आपको बहुत तेज़ होता है और उसके साथ आपको अपेंडिसाइटिस के लक्षण भी देखने को मिलेंगे। पेट का दर्द IBS की कंडीशन में, कॉन्स डिसीज़ में, फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशन में, फूड एलर्जी अगर आपको है तो बहुत तेज़ पेट का दर्द होता है दोस्तों। अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तब भी पेट में दर्द होता है दोस्तों। अगर आपको एंड्रोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, आप फीमेल हैं, तब भी आपको पेट में दर्द होता है दोस्तों। मेंसेस के दौरान भी फीमेल्स को दर्द होता है, जिस कंडीशन को हम डिसमेनोरिया बोलते हैं। कभी कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें पेट में दर्द होता है। तो ये आम सी कंडीशन है, आम सी बीमारियां हैं जिसके कारण हमें पेट में दर्द होता है। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा आम है वो है मेंस्ट्रुअल पेन, जो मेंसेस के दौरान क्रैम्प्स होते हैं, जो डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम होती है फीमेल को, और मेल्स को जो ज़्यादा आप खाना खा लेते हैं, गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, वो सबसे ज़्यादा आम समस्या है। उसके बाद अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब भी पेट में दर्द होता है, ये भी बहुत आम समस्या है। और इन जो आम प्रॉब्लम्स है उसके कारण बहुत बार आपको पेट में दर्द होता है दोस्तों। पेट में दर्द मैंने ऐसा देखा है कि रात में बहुत तेज होता है। पेट का दर्द कभी कभी बहुत कम होता है, हल्का हल्का सा बना रहता है, जब हम दबाते हैं तो थोड़ा सा आराम लगता है, फिर वो दर्द होने लगता है, लेकिन कभी कभी ये दर्द बहुत तेज होता है और सहन से बाहर हो जाता है। पूरे पेट में दर्द, पेट फूल जाना, कमर तक दर्द और बिल्कुल सहन से बाहर हो जाता है, गैस इतनी भर जाती है जिसके कारण आपको घबराहट भी होने लगती है, पसीना तक आ जाता है, बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है पेशेंट की दोस्तों। पेट के दर्द के लिए सालों से एक कॉम्बिनेशन अपनी क्लिनिक में यूज़ कर रहा हूँ और आपको भी काफ़ी बार मैंने ऑनलाइन जो मैसेज करता रहता हूँ उसमें मैंने सजेस्ट किया है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लगभग 100% इसके रिजल्ट्स हैं, मतलब आप ये मेडिसिन लेंगे तो पेट का दर्द आपका ठीक होगा ही होगा। इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारी मेडिसिन्स नहीं हैं, सिर्फ दो मेडिसिन हैं और दो मेडिसिन का ये मिलाव पेट के दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर देता है दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन है CM एब्डोमेन पेन रिलीफ कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिंस मिली हुई हैं और वो क्या करती हैं, कैसे असर करती हैं। उसके बाद मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, घर पे ही बनाइए। और उसके बाद मैं इसको लेने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप खुद यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पेट में दर्द है या किसी और को पेट में दर्द है तो कैसे आप उसे दे सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिंस मिली हुई हैं दोस्तों। इसके अंदर दो मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है सी फॉर कोलोसिंथ दोस्तों। कोलोसिंथ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में पेट के दर्द के लिए दोस्तों। अगर गैस बहुत ज़्यादा भर गई हो पेट में और पेट आपका फूल गया हो, पेट फूलने के कारण पेट में दर्द हो, और जब आपको दर्द हो तो जब आप ऐसे दबाते हैं तो दर्द में थोड़ा सा
आराम लगता है। दोस्तों कोलोसेंथ लेने से गैस में आपको तुरंत आराम लगता है, पेट के दर्द में तुरंत आराम लगता है। अगर पेट का दर्द बिल्कुल सहन से बाहर हो तो कोलोसेंथ ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों कोलोसेंथ इस कॉम्बिनेशन में मैंने 1 mg पोटेंसी में यूज़ की है, 1000 पोटेंसी में यूज़ की है। तो कोलोसेंथ 1 mg आपको यूज़ करना है। दूसरी मेडिसिन है मैकफॉस। दोस्तों मैकफॉस शरीर में कहीं पर भी दर्द हो होम्योपैथी में दी जाती है, एज अ पेन किलर होम्योपैथी में यूज़ की जाती है। लेकिन मैकफॉस का एक और लक्षण है कि अगर आपका पेट बिल्कुल फूल गया हो और बहुत ज़्यादा गैस भरी हो उसके अंदर और निकल ना रही हो, पास नहीं हो रही हो गैस, जिसके कारण पेट में बहुत तेज़ दर्द हो आपको, मैकफॉस लेने से गैस पास हो जाती है और पेट का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों ना सिर्फ मैकफॉस इस तरह के पेट के दर्द के लिए इफेक्टिव है, मैकफॉस अगर आप फीमेल हैं और मेंसेस के दौरान या मेंसेस से पहले जो क्रैम्प्स होते हैं, मेस्ट्रुअल क्रैम्प्स बोलते हैं जिसको, डिसमेनोरिया बोलते हैं, जिसमें पेट में दर्द, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन को भी मैकफॉस ठीक करती है। तो बिल्कुल ऐठन जैसा दर्द, मुरेड़ जैसा दर्द अगर आपको पेट में महसूस होता है या कमर में दर्द भी होता है तो मैकफॉस ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों मैकफॉस इन्फ्लामेशन को भी कम करती है, सूजन को भी कम करती है। तो अगर पेट के अंदर किसी तरह का सूजन है जिसके कारण दर्द हो रहा है तो उसमें भी आपको आराम लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैकफॉस को भी आप 1 mg पोटेंसी में, 1000 पोटेंसी में ही यूज़ करिए। तो कोलोसेंथ 1 mg, कोलोसेंथ 1000 पोटेंसी, 1 mg पोटेंसी और 1000 पोटेंसी सेम है, तो कोई भी मिल जाए आप यूज़ करिएगा। तो कोलोसेंथ 1000 पोटेंसी एंड मैकफॉस 1000 पोटेंसी आप SPL की या WSI की पैक्ड CC लेके आइएगा। होम्योपैथिक शॉप से भी आप मंगवा सकते हैं, ले आ सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। दोस्तों आप उसी शॉप से या उसी ऑनलाइन शॉप से आप एक 100 ml की खाली CC ज़रूर मंगवा लीजिएगा, जिसमें आपको ये मिलाना है, उसमें ड्रॉपर होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसको बनाना घर पे ही बना सकते हैं। आपको सिर्फ बराबर मात्रा में ये दोनों मेडिसिन को मिलाना है जो खाली CC है उसमें। तो आप 30-30 ml की अगर CC लेके आए हैं मैकफॉस 1 mg और कोलोसेंथ 1 mg की, तो आप उसमें डाल दीजिए, पहले मैकफॉस 1 mg डाल दीजिए, उसके बाद आप कोलोसेंथ 1 mg डाल दीजिए। और मेडिसिन डालने के बाद आप ड्रॉपर को अच्छे से लगाइए, ढक्कन को अच्छे से लगाइए, उसके बाद अच्छे से हिला लीजिए। ये बन गया आपका CM एब्डोमन पेन रिलीफ कॉम्बिनेशन। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है पेट दर्द के लिए। इसमें आप पेट दर्द लिख दीजिए या इस कॉम्बिनेशन का नाम लिख लीजिए और घर पे रखिए, अपनी क्लिनिक में भी आप रख सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो ज़रूर आप इसे यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक आपका सवाल ज़रूर आएगा कि 1 mg पोटेंसी में दोनों मेडिसिन है, तो दोनों ही एक्यूट मेडिसिन है, मैकफॉस भी और कोलोसेंथ भी, इसीलिए आप 1 mg पोटेंसी में से यूज़ करें और ये 1 mg पोटेंसी में ही असर करेगी बहुत अच्छे तरीके से। 30 CH पोटेंसी में उतना अच्छा असर नहीं करती है, 200 पोटेंसी में भी उतना अच्छा असर नहीं करती है, तो 1 mg पोटेंसी में ही मिला के रखिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों एब्डोमिनल पेन के लिए। दोस्तों अब इस कॉम्बिनेशन को आपने बना लिया है, अब आप इसे यूज़ कैसे करें। तो मेरे क्लिनिक में मान लीजिए कोई पेशेंट आया है, उसको पेट में दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, पेट बिल्कुल पकड़ के आया हुआ है, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, पेट में दर्द बहुत तेज़ है, गैस बिल्कुल भरी हुई है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये कॉम्बिनेशन मेरे पास रहता है, 2 बूंद पिला देता हूँ और 10 मिनट बाद फिर 2 बूंद पिला देता हूँ। एक ही बार ये मेडिसिन आप 2 बूंद उसे पिलाएंगे, टंग में डाल देंगे, तुरंत आराम लगेगा, गैस पास होने लगेगी, जिसके कारण एब्डोमेन जो है वो हल्का हो जाएगा, जिसके कारण पेट का दर्द तुरंत ठीक हो जाए। 10 मिनट बाद फिर उसे दे दीजिए तो थोड़ा और आराम लगेगा, 10 मिनट बाद फिर उसे 2 बूंद पिला दीजिए तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो लगभग 2 से 3 बार आप इसे पिला दीजिए, पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, ये इतने जल्दी असर करती है। मैंने एक्यूट कंडीशन के बारे में बताया कि अगर कोई पेशेंट आए आपके पास या आपके घर में कोई पेशेंट है पेट दर्द का, तो कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको हमेशा पेट में दर्द रहता है तब आप इसे कैसे यूज़ करें। अगर आपको हमेशा पेट में दर्द रहता है तो 2 बूंद आप
रात में इसे पिए और लगभग 3 से 4 महीने तक लगातार पिए। 3 से 4 महीने तक अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो फिर मेडिसिन छोड़ने के बाद भी आपको पेट में दर्द कभी नहीं होगा। अब चलते हैं फीमेल्स की तरफ। तो अगर आप फीमेल हैं और आपको मेंसेस में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम है, तो आप मेंसेस के 2 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक 2 बूंद इसे दिन में 3 बार लें। एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को। 2 दिन पहले से चालू करें और 2 दिन बाद लगभग 8 से 9 दिन तक ये मेडिसिन कंटिन्यू यूज़ करें। दोस्तों, पेट का दर्द अगर आपको है तो ये कॉम्बिनेशन ज़रूर आप अजमा के देखिएगा, 100% रिजल्ट मिलेंगे। और रिज़ल्ट मिले तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर मैसेज करिएगा कि रिज़ल्ट आपको अच्छे मिले कि नहीं मिले। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि अच्छे ही मिलेंगे अगर आपने अच्छे से मेडिसिन मिलाई है, क्योंकि मैं सालों से ये मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ। तो ज़रूर उपयोग करके देखिएगा, ये बहुत ही आम समस्या है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।